पूर्वजतता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण, क्या है पूर्वजतता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण? दरअसल इसमें कहता है किसी जीव या जीव के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता, परंतु पहले के पूर्वज। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कहा क्या पूर्वजतता या प्रत्यावर्तन के प्रमाण क्या है? किसी जीवों या जीव के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता, परंतु पहले के पूर्वज। अब देखिए क्या क्या है इसमें। मनुष्य के शिशु में कभी कभी के 9 दांत बड़े नुकीले होते हैं, यानी कि जो 9वें नंबर पे दांत होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं। कुछ मनुष्य में आदि कांपियों की तरह बहुत ही अधिक बाल पाए जाते हैं, अब इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान का क्या मित्रों प्रमाण है? जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म का अर्थ उन जीवों के बचे हुई अवशेष से पहले लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व जीवित रहे होंगे। यहाँ पर मित्रों कहता है जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ये बात सही भाई, जीवाश्म का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाएगा। फिर कहता है जीवाश्म का अर्थ उन जीवों के बचे हुई अवशेषों से पहले लाखों करोड़ों वर्षों पूर्वजों जीवित रहें, यानी करोड़ों लाखों वर्षों पूर्व जीवित रहें। अब इसके बाद हेडलाइंस आता है जीवाश्म का बनना, जीवाश्म कैसे बनते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना हम लोग जरूरी है। सांचा जीवाश्म, उन जीवाश्मों में जिनमें शरीर का कोई भाग शेष नहीं रहता, केवल शरीर का सांचा मात्र रह जाता है, इसे सांचा जीवाश्म कहते हैं। मित्रों प्रकृति में बहुत से जीवाश्म ऐसे होते हैं जो हर चीज नष्ट हो जाते, केवल सांचा ही बचता है, उसे सांचा जीवाश्म कहते हैं। फिर आता है अपरिवर्तित जीवाश्म। अपरिवर्तित जीवाश्म का मतलब यहाँ पे जहाँ परिवर्तित ही न हो इससे संबंधित होगा। जब जीवधारी का पूरा शरीर बर्फ में भले प्रकार से सुरक्षित रखकर संपूर्ण जीवाश्म बनाता है तो इसे अपरिवर्तित। मित्रों कभी कभी कुछ मृत शरीर आप देखते हैं, उन्हें जब बर्फ में रख दिया जाता है तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे अपरिवर्तित जीवाश्म कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ठप्पा जीवाश्म। ये क्या है? कभी कभी मरने के बाद सड़ने से पहले जीव चट्टानों पर अपना ठप्पा। अब देखिए कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जीवाश्म जो सड़ने से पहले, अब चट्टान, अब ये जरा हम लोग समझते हैं है क्या, ये देखिए यहाँ पर ठप्पा बना जाते हैं। ऐसे जीवाश्म को ठप्पा जीवाश्म, यानी कुछ जीवाश्म ऐसे होते हैं जो मरने के बाद सड़ते नहीं बल्कि वो एक चट्टान के जैसे बन जाते हैं, उन्हें ठप्पा जीवाश्म कहा जाता है। इसके बाद आता है डार्विन की फीचे। ये डार्विन की फीचे क्या है जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये कहता है दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र में 22 छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है जिनमें गैलो मैपोस द्वीप समूह कहते हैं। ये बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहा जा रहा है इस द्वीप की वातावरणीय अवस्थाओं में अंदर होने के कारण यहाँ के जीव जंतु व पादप समूहों में अंतर मिलता है और चोंच के अंदर ऊपर उठने जैसे परिवर्तन इसे कीट भक्षी या शाकाहारी फिश बना देते हैं, राइट। इसी कारण एशिया एवं यूरोप में मिलने वाले प्राणी अफ्रीका में पहुंच गए परंतु अमेरिका नहीं पहुंच पाए। इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या क्या निष्कर्ष निकलता है जरा ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष निकलता है प्रकृति में एक जीव जाति की उत्पत्ति एक बार तथा एक क्षेत्र में होती है, राइट, पहली बात। दूसरी बात, किसी जाति की आबादी बढ़ने पर इसके सदस्य उत्पत्ति क्षेत्र के चारों ओर फैल जाता है, राइट। फिर क्या कहता है? भौगोलिक अवशेषों से पृथक हुए समान जाति के जीवों में भिन्नताएं मिलती हैं, राइट। तो मित्रों ये थी डार्विन की फीचे। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले नए वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।